गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डे वन एपिसोड ऑफ दिस गोवा सीरीज। और इस समय हूँ मैं मडगांव रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर, और यहाँ से अपनी शुरू होगी डे वन की सीरीज, मतलब गोवा सीरीज का ये डे वन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और अपन आज बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाएंगे, मगर उससे पहले अपनी गाड़ी आ रही है, कार जो अपन ने रेंट करी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी है। उसके बाद अपन यहाँ से चलेंगे सीधा होटल, तो होटल में चेक इन करने के बाद फिर अपन चलेंगे, तो आप लोग साथ बने रहना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ तो गाइस, गोवा के पहले दिन में ही कांड हो चुका है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ी में चल रहा है काम, मेरा दोस्त भी करा रहा है फरमान। असल में उसका जो टायर वो उतर नहीं रहा है, पंचर कभी बना नहीं है उस गाड़ी का, तो टायर फंस चुका है, जंग वंग लग जाती है तो फंस जाता है, पानी में खड़ी जाती है गाड़ी। अब वो उतरे तो फिर स्टेप नहीं लगे तो फिर जा सकेंगे आगे की तरफ, जो भी होगा आप लोगों को सीन बताऊँगा। बट पहले दिन ये चीज़ हुई मुझे सुबह सुबह, मेरी बुद्धि ख़राब है बहुत तेज़, आपको बता नहीं सकता, बट चलिए ठीक है, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। हाँ तो गाइस, अब है रेलवे स्टेशन को बाय बाय बोलने का, दोस्तों को पिक कर लिया, गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलो चलते हैं अपन होटल की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग का रूम मिल चुका है सीवन, और काफ़ी मतलब जो बंदा हम लोग का रिसेप्शन था बहुत अच्छा बंदा था, बाहर में मिलाऊंगा, बिजी बहुत था वो, तभी नहीं मिल पाऊंगा। अभी अपन चलते हैं रूम में, थोड़ा सा रूम का भी टूर दे दो, क्योंकि उसके बाद तो सब गंदा बंदा हो जाएगा। ओए चड्डी बाज लो भाई लो। देखो ये हम लोग का एक छोटा सा वॉशरूम, और ये हम लोग की एक छोटी सी बालकनी। तो अब देखो ऐसा है, अब मैं उतरूँ तो थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊँ, ठीक है, उसके बाद सीधा अपन चलते हैं बीच, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब निकल रहे हैं अपन, बीच जा रहे हैं, लोगों फ्रेशन अप में कुछ नहीं हुए, खाली वॉशरूम यूज़ किया है, और सबने मतलब कर लिया, सबने डिसाइड ये किया है कि अपन बीच चलते हैं, बीच में आएंगे। और हम लोग के पास प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल भी है, तो वो भी दिखाएंगे, मतलब इन लोगों के पास पाँच प्रॉपर्टी में दिखाऊँ। तो ये सामने प्रॉपर्टी बनी है, ये वाली जो ब्लू कलर की है, ये वाली, इसके जस्ट बगल में बना हुआ है अपना स्विमिंग पूल, तो अपन वो स्विमिंग पूल भी ऑक्यूपाई करेंगे, चलने मतलब जाएंगे नहाने के लिए। तो अभी चलना है बीच, पहले बीच पर नहाएंगे, फिर कहाँ है भाई, कौन सा है अपने पास बगल में बीच, कैलनजूट, हाँ कैलनजूट बीच चल रहा है अपन, ठीक है गाइस, चलो बीच पे मिलते हैं। हेलो गाइस, और ये हमारे रसिया भाई ने एक बियर खरीदी है, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, बस बताऊंगा नहीं कौन पीता है, मुझे जाने दो। हेलो एवरीवन। हाँ तो गाइस देखो ऐसा है, जा रहा तो हमें नहाने के लिए था, ठीक है, मगर हमने सोचा कि कंटेंट भी बना लेंगे, और वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, फ़ोन हमारा हो जाएगा ख़राब, उसके बाद हम आपको नहीं दे पाएंगे कंटेंट। तो अभी हम आए हैं रूम वापस, और हालत आप हमारी देख सकते हैं कैसी हो रही है, रूम पे रखते हैं अपना फ़ोन, और अब जाएंगे नहाने, अब तो मिलेंगे जब हम बिल्कुल चेंज वेंज होकर तैयार होकर आ जाएंगे, ठीक है, पूल का टूर मैं आपको बाद में दे दूँगा सब कुछ, अब आपको मिलते हैं सीधा चेंज करके। अदरवाइज़ देखो बीच से अपन आ चुके हैं, कैंडुलम बीच गए थे अपन, काफ़ी मज़ा आया नहाने में, बीच के नहाने के बाद जो मेहनत करी वो मुझे पता है भैया। देखो कपड़े बिल्कुल मान लो बिना जेब की नक्कर पहन के जाना तो ही आपके लिए फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आके स्विमिंग पूल में गया, उसके बाद सीधा आके फिर मैंने शावर लिया, अब शावर लेने के बाद अपन हो चुके हैं रेडी, देख लो सही लग रहा है, ख़राब तो नहीं लग रहा है। अभी अपन जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि लग रही है बहुत तेज़ भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो अभी आप तो जानती हैं नहाने के बाद कितनी तेज़ भूख लगती है। मेरे दोस्त निकल चुके हैं और बस नीचे गाड़ी निकालना है, तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ इतनी देर में, तो अपन चलते हैं। और ये देख लो मेरा आज का लुक, बढ़िया लग रहा हूँगा मैं आपको, तो मिलते हैं कार के अंदर। हाँ तो भाई अभी देखो चीप होटल ढूंढा जा रहा है खाना खाने के लिए, अभी एक होटल आए थे और वहाँ पर थाली अवेलेबल तो थी नहीं, थाली में होता बेनिफिट है कि सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए, तो अपन ने सोचा थाली ट्राई करें, बट उनके पास था नहीं, और सब कुछ बहुत कॉस्टली था, तो फिर मैं हम लोग देखते। हाँ तो गाइस अभी एक खाना करके एक रेस्टोरेंट मिला, उसका मेन्यू ले जाया, काफ़ी मतलब सही मेन्यू लगा, थाली वगैरह थी ऑप्शन में, तो दोस्तों को दिखाते हैं फिर देखते हैं, शायद खाएंगे इधर ही, अच्छा है खाना।
हाँ तो गाइस अगोड़ा फोर्ट आ चुके हैं, अब जा रहे हैं अपन अगोड़ा फोर्ट के अंदर और वहाँ से जाएंगे अगोड़ा फोर्ट पर भी। ड्रोन मैंने ले लिया है साथ में, आपको काफ़ी अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स भी मिलेंगे देखने के लिए। और कितने बजे क्लोज लिखा है? 5:30 लिखा है क्लोज। तो चलो जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू अगोड़ा फोर्ट और अब एंजॉय करो आप द सिनेमेटिक शॉट्स लाइक दिस ब्यूटीफुल। आप लोगों को अगोड़ा फोर्ट के सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे, मगर देखो फोर्ट की अपनी खूबसूरती है, वो आप लोगों के लिए मैं गया था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है फोर्ट वोट जाना, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए गया था मैं फोर्ट। मुझे जो पसंद है उसमें मैं निकला हूँ, वो है एडवेंचर, और जो कि घने जंगल से होते हुए रास्ता जाता है अपना एक अगोड़ा फोर्ट सनसेट पॉइंट पर, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत सनसेट दिखता है। तो आज सनसेट का मज़ा आप अगोड़ा फोर्ट से उठाएं, चलो चलते हैं। हाँ तो गाइज़ वी आर ऑन दी सनसेट पॉइंट ऑफ दिस अगोड़ा फोर्ट और इस समय मैं सनसेट के जस्ट सामने खड़ा हूँ और बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा फील हो रहा है। बस वो समुंदर में डूबता हुआ सूरज अगर एक बार आप देख लोगे तो आप भी मतलब कहोगे कि वर्थ इट है ना। आप ज़रा इन्जॉय करें टाइम लैप्स ऑफ दी ब्यूटिफुल सनसेट। Guys, you have liked the shots of this beautiful sunset point. देखो काफ़ी अच्छा सनसेट पॉइंट है, आप आओगे तो बहुत ही ज़्यादा चिल वाइब्स आएंगी। बस ये है कि मैं चाहता तो आपको और अच्छे तरीके से दिखा सकता था, थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन होती है हर चीज़ में। देखो हर चीज़ करनी है अपन को, फोर्ट भी एक्सप्लोर करना है और सनसेट पॉइंट भी एक्सप्लोर करना है, किसी एक जगह पर अपन जाते नहीं है ना, तो थोड़ी सी टाइम लिमिटेशन होती है, तो मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करनी पड़ती है। नहीं तो मैं अच्छे से आपको जगह की वाइब्स बताऊँ, सब कुछ बताऊँ मैं चाहता हूँ, बट थोड़ी सी लिमिटेशंस में मैं ठहर जाता हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स हैं और रही जगह की बात तो वो तो काफ़ी शानदार है, आपने देखी ली है। और जो गोवा नए हो तो भैया एक बार आप लोग ज़रूर आ रहे हैं सनसेट पॉइंट पे, ठीक है ना। और आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा गया, अभी शायद हम लोग वेगटर बीच जाएंगे, दोस्त से कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। अदो गाइस अब आए हैं हम लोग सैटरडे नाइट बाज़ार, जो अपना अपूरा जंक्शन के पास है और काफ़ी ज़्यादा ही माहौल है, आप देख सकते हैं इतनी सारा पार्किंग है आसपास। और ये रहा अपना लौंडा, ये रहा और एक वो जा रहा है, भागते बहुत हैं, मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो भागते बहुत हैं पता नहीं क्यों। हाँ भाई चले, तो अब मिलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं नज़ारा नाइट बाज़ार का। मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू तू है, हम तो भी खुद तू है नदी ओ बेहबर। हाँ तो गाइस देखो अभी गए थे अपन लेकर शॉप, अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, ये आपको पड़ जाएगा केलनजूट वाले ही रोड पे। और मैंने भी अपने लिए एक ले लिया बियर, ये रही मैं पीता ही नहीं हूँ तो मैं क्या लूँगा, एक दोस्त है मेरे कोई पीते हैं, बाकी कोई मैं पीता नहीं हूँ तो मेरे लिए ये। चलो अपन ड्राइव करते हैं और मिलते हैं आपको वेगटर हिल टॉप पर, ठीक है। तो गाइस वी आर फाइनली एंड इन टू वेगटर हिल टॉप और कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, देखो आप ज़रा भीड़ देखो, लेवल देखो भीड़ का, हो भैया देख सकते हैं आप, हर कोई अपनी गाड़ी लेकर आया है यहाँ पे रोल दिखाने के लिए, असल में बाइक शो है शायद यहाँ पे, कहा भाई बाइक शो है ना, बाइक शो है, बाइक शो है वो। और बाइक आ गई, Thank you.
हाँ तो गाइस देखो ऐसा कुछ सीन था कि आज था लास्ट डे और हम लोग जिस टाइम पे पहुँचे वो बज रहा था 8:30 के आसपास और 9 बजे वो बंद होना था और 1900 की टिकट थी अंदर जाने के लिए, बट मुझे मतलब वर्थ इट नहीं लगी 1900 रुपीज़ देना, तो मैंने कहा फिर बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा बाइक्स थी और कौन आए हुए थे अपने सोवरन पाजी भी आए हुए थे, उनकी फॉर्च्यूनर रेंज रोवर और जी वैगन हर गाड़ी थी। अब वो तो किस्मत नहीं थी अंदर जाना अपन के लिए, बट जो भी था बाहर से देख लिया बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। अब हम लोग निकल रहे हैं, कार मेरी बैक हो चुकी है, अपन चल रहे हैं। अब देखो शायद कहीं जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मुझे नहीं पता, दिमाग काम नहीं कर रहा, इतनी सारी गाड़ियाँ देखनी है, अपन चलते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अब आए हैं अपन टीटोस लेन, जो गोवा की सबसे ज़्यादा फेमस लेन है। जरा आप देखें भाई भी उधर की। तो गाइस रात के 12:30 बजे ऐसी वाइब, वो भी टीटोस लेन की, सिर्फ गोवा में ही हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती है। वाइब देखो आप, तो भीड़ देखो, ये अपने दोनों लौंडे और ये एक अपना तीसरा लौंडा, लौंडी आवाजी के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तो गाइस अपन टीटोस लेन से आ चुके हैं बागा बीच पे, और बागा बीच की आप वाइब्स देखोगे ना तो लाइट कितनी आ रही है मुझे नहीं पता, बट देखो मैं आपको वाइब दिखाता हूँ। अब आप ये मत सोचना एक दिन में मैंने कितना कवर कर दिया, गोवा बहुत बड़ा है भाई, तो बहुत कुछ आएगा नया। आज डी वन में इतना सब कुछ दिखाया है तो और भी दिखाऊंगा। अभी तो यहाँ से निकलना है, दोबारा टीटोस लेन जाएंगे, अगर हुआ तो क्लब भी जाएंगे। आप ये देखो वाइब वाइब है, वाइब है। इस साइड है अपना पानी और ये पूरे अपने बीच साइड रिसॉर्ट्स, क्या ही फील है, क्या ही। हाँ तो गाइज वी हैव डिसाइडेड टू रीच मैकडी, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा था थाली वगैरह खाने का, तो हम लोगों ने डिसाइड किया मैकडोनल्ड्स आने का फॉर अ सेफर साइड। चलो मैकडी चलते हैं। गाइज मैकडी में खा के हो चुका है, अब चल रहे हैं रूम के लिए, और मेरी बिल्कुल हालत नहीं है क्योंकि रात के बज रहे हैं, तो चलते हैं और मिलते हैं सीधा रूम में। ठीक है गाइज, सो गाइज वी आर बैक इन आवर रूम, और आज डे वन की सीरीज़ का यहाँ पे एंड है। आप लोगों को कैसी लगी कैसी नहीं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इस डे वन सीरीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ नहीं चला गया भैया मुझे भी याद नहीं, मैं कहाँ कहाँ घूमने चला गया हूँ, वो तो सिर्फ दोस्तों के चक्कर में कि यहाँ चलो वहाँ चलो इधर चलो इधर चलो, कुछ भी प्री डिसाइड कुछ भी नहीं था, कुछ भी प्री प्लान नहीं था, सब कुछ हम लोगों ने मतलब एकदम से शेड्यूल किया और चले गए हम लोग। अब अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक दीजिएगा इस वीडियो को, जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपका सजेशन हो वो कमेंट कर देना, ठीक है। और डे वन का एक्सपेंस मैं यहाँ पे या यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, और किस किस लोकेशन पे गया हूँ वो भी यहाँ या यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। काफ़ी मतलब आप समझ लो मैं डे वन का सीरीज़ में ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं हुआ मेरे लिए, बट ये है जो जाना चाहता है एक्सप्लोर करना, अगर वो चाहता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ तो इन सब लोकेशन पर आराम से जा सकता है, बहुत आराम से चिल कर सकता है जैसे मैंने किया। अब मिलते हैं डे टू की सीरीज़ में, ठीक है ना। तो जब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।